फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली अनीस और आप देख रहे हैं रेसलिंग स्टार्स न्यूज़। तो आज का स्मैकडाउन आपने देखा भाई, क्या था आज के स्मैकडाउन में? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। यहाँ पर मैट रिडल, भाई कौन देखना चाहता है मैट रिडल को यार? मेन इवेंट में मैट रिडल को डाल दिया आपने, कौन देखना चाहता है? दी उसोस, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन तो चलो सही है, मगर मैट रिडल रैंडी ऑर्टन थोड़ी है भाई। वो मैट रिडल है, इतना ज़्यादा तुमने बिल्ड ही नहीं किया उसको कि वो मेन इवेंट में, स्मैकडाउन में मेन इवेंट में क्या उसको अभी मैच करवा रहे हो तुम? पता नहीं कौन से मैचेस करवा रही है आजकल। बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, कौन हाइप है बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए? कोई भी हाइप नहीं है भाई। ऐसी ऐसे मैचेस बुक किए हैं आप लोगों ने वहाँ पे WWE वालों, कोई हाइप ही नहीं है, कोई देखना ही नहीं चाहता भाई। बैकलैश को बैकलैश ही मिलने वाला है रेसलमेनिया के बाद भाई। रेसलमेनिया वहाँ पर तो चलो रोमन रेंस कोडी रोड्स हो गया, चलो गुजारा कर लिया बंदों ने दाल रोटी से, मुर्गी तो नहीं मिली दी रॉक वाली, यहाँ पर हमें दाल रोटी कोडी रोड्स की खानी पड़ी। तो बैकलैश में तो चलो कोई अच्छा सा मैच करवा लेते हैं। यहाँ पर मैचेस हमें देखने को मिलने वाले हैं, मैट रिडल, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन वर्सेस दी ब्लड लाइन, सोलो सिकोवा, जे उसो, जिमी उसो और पॉल हीमन भी साथ में होने वाले हैं। तो भाई कोई भी इस मैच के लिए एक्साइटेड नहीं है मेरे हिसाब से, कोई भी इस मैच में इंटरेस्टेड नहीं है। गुजारा कर सकते हैं इस मैच को लेकर, बस टाइम पास है एक किस्म का। उसके अलावा रिया रिपली वर्सेस ज़ेलिना वेगा, रिया रिपली वर्सेस ज़ेलिना वेगा का मैच है। तो भाई रिया रिपली को शायद WWE ऐसा अपोनेंट देना चाहती, हलवा होना चाहिए बिल्कुल रिया रिपली के लिए, वैसा ही अपोनेंट दिया गया है। इसके अलावा ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉनसन रीड, चलो ये मैच थोड़ा बहुत हमें समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत ये मैच सही है। और इसके अलावा कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच एडवर्टाइज है, तो इसके लिए भी फैंस थोड़ा बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ पर शायद हमें रोमन रेंस का कुछ इन्वॉल्वमेंट रोमन रेंस की देखने को मिल सकती है। रोमन रेंस तो कह रहे हैं कि एडवर्टाइज ही नहीं है बैकलैश के लिए, मगर शायद हमें ये मैच ट्रिपल थ्रेट बनते हुए देखने को मिल सकता है आगे जाकर नाइट ऑफ चैम्पियन में। इसके अलावा हमें आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या सुनने को मिला, ओमस वर्सेस सेथ रोलिंस का मैच एडवर्टाइज कर लिया WWE ने। भाई रैंडम मैच ऐसा कौन बुक करता है, कोई स्टोरी लाइन तो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ वहाँ पर भाई। कुछ भी कर रही है WWE, बैकलैश को बैकलैश ही मिलने वाला है इस मरतबा, कोई भी नहीं देखने वाला, टाइम पास करके देख लेंगे, चलो गुजारा कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। भाई लाइक नहीं करते यार, दूसरों के चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, लाइक कर देते हो, जो कि मशहूर यूट्यूबर हैं, हमारे भी वीडियोस को लाइक कर दिया करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी न्यूज़ अपडेट और वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग रेसलिंग स्टार्स न्यूज़। एट आउट नाउ।